बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिंग के बारे में जाना था, और आज हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वचन की परिभाषा, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और भेदों का उदाहरण। तो यहाँ पर वचन जो है वो दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। पतंग उड़ रही है, घोड़ा घास खा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। पतंगे उड़ रही हैं और घोड़े घास खा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो खंड क में दिए गए वाक्यों में पतंग, घोड़ा, बच्चा शब्द एक प्राणी या एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। ये पाठ 16 के अंतर्गत वचन पाठ है व्याकरण निकुंज में। तो जबकि खंड ख में दिए वाक्यों में पतंगे, घोड़े, बच्चे शब्द एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वचन की परिभाषा लिखेंगे। वचन की परिभाषा, और सभी लोग इसे एक अपनी हिंदी की कॉपी में भी लिखेंगे। तो शब्द के जिस रूप से उसके शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का उसके एक या अनेक होने का एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे घोड़ा घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा शब्द से एक होने का बोध हो रहा है, और इसके बाद फिर है बच्चे आदि। तो इस तरह से यहाँ पर वचन जो है जिससे हमें एक या अनेक होने का बोध होता है किसी शब्द के जिस रूप से, तो जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संख्या के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे आँख, हाथी, कमरा आदि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कमरे, पतंगे, लड़कियां आदि। वचन की पहचान, वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया से होती है। जैसे संज्ञा से लड़की पढ़ती है और लड़कियां पढ़ती हैं, सर्वनाम से वह खेल रहा है, वह खेल रहे हैं, और क्रिया से हाथी आ रहा है, हाथी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब वचन के भेद लिखेंगे। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब यहाँ पे हम लोग पहले की परिभाषा लिखेंगे, एक वचन।
यहाँ पर एक वचन, यानी कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से संख्या के एक होने का बोध हो, संख्या के एक होने का बोध हो, उसे, जिससे एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं, जैसे आँख, हाथी, कमरा आदि। तो ये जो है एक वचन की परिभाषा हुई। और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा लिखेंगे, द्विवचन। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक होने का बोध हो, उसे द्विवचन, उसे द्विवचन कहते हैं। उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे कमरे, पतंगे लड़कियां आदि। तो यहाँ पर हम लोगों ने वचन के बारे में जाना कि वचन के कितने भेद होते हैं, वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, बच्चे आदि। और वचन की ये एक वचन का उदाहरण है, ये बहुवचन का उदाहरण है। वचन के भेद, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और शब्द के जिस रूप से संख्या के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे आँख, हाथी, कमरा आदि। और द्विवचन शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे कमरे, पतंगे, लड़कियां आदि। तो ये बहुवचन का उदाहरण, ये बहुवचन है, द्विवचन नहीं है, बहुवचन है। यहाँ पर बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन होता है, तो यहाँ पे बहुवचन होना चाहिए, उसे बहुवचन, अनेक, बहु का मतलब होता है अनेक, तो यहाँ पे बहुवचन होगा। तो एक वचन और बहुवचन, तो बहुवचन शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कमरे, पतंगे, लड़कियाँ आदि। और अब इसके आगे हम लोग व्याकरण के अंतर्गत यहाँ पर अनुच्छेद लिखेंगे, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में किस बात का ध्यान रखना है ये हम लोग अभी जानेंगे। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन।
अनुच्छेद लेखन में एक पैराग्राफ लिखा जाता है 100 या 150 शब्दों में। तो यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद लेखन करेंगे। अनुच्छेद लेखन किसी विषय पर सीमित शब्दों में अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करना हो तो अनुच्छेद लेखन है। तो अनुच्छेद लेखन के द्वारा हम लोग कम से कम शब्दों में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है। जैसे निबंध बड़ा होता है, उसमें 200-250 शब्द होते हैं, लेकिन अनुच्छेद में कम शब्द होते हैं और ये निबंध का ही छोटा रूप है। एक बड़ा पैराग्राफ जिसे कह सकते हैं, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह होता है जिसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं आने पाती और विषय का विस्तार भी एक बिंदु तक सीमित रहता है। अनुच्छेद की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुसार आपस में जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद का उद्देश्य विषय को स्पष्ट करना होता है तथा अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। इसमें आदि से अंत तक एक ही सहज प्रवाह होना चाहिए। परीक्षार्थी ने कैसा लिखा इस आधार पर अंक मिलने चाहिए, न कि कितना लिखा। तो यहाँ पर अनुच्छेद लेखन से संबंधित कुछ बातें हम लोगों ने जानी और आज हम लोग यहाँ पर जो अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं वह है प्रातः भ्रमण। और इसमें जो है हम लोग इसके महत्व को और इसके बारे में लिखते हुए इसे करेंगे। तो पहला यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं प्रातः भ्रमण। प्रातः भ्रमण का अर्थ होता है, प्रातः का अर्थ होता है सुबह और भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। तो यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ लिखेंगे और शुरुआत करते समय जब भी जो है वो लाइन एक शब्द की जगह छोड़कर शुरू किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे प्रातः भ्रमण। प्रातः भ्रमण अर्थात सुबह की सैर करना, अर्थात सुबह की सैर करना बड़ा अच्छा माना जाता है, बड़ा अच्छा माना जाता है। सुबह की सैर करना बड़ा अच्छा माना जाता है। आजकल जिस प्रकार प्रदूषण, आजकल जिस प्रकार प्रदूषण, आजकल जिस प्रकार प्रदूषण से भरे वातावरण में हमें रहना पड़ जाता है, जिस प्रकार प्रदूषण से भरे वातावरण में हमें रहना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग के पास और कोई उपाय नहीं है, तो उसमें तो प्रातः भ्रमण का महत्व, उसमें तो प्रातः भ्रमण का महत्व और भी बढ़ जाता है, और भी बढ़ जाता है, यानी कि और भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सुबह घूमने अवश्य जाएं ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। कम से कम सुबह के समय, कम से कम
सुबह के समय तरह तरह के वृक्ष और पेड़ पौधे, तरह तरह के वृक्ष और पेड़ पौधे जिस ऑक्सीजन को जिस ऑक्सीजन को छोड़ा करते हैं, ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहते हैं। जिस ऑक्सीजन को छोड़ा करते हैं सुबह सैर करने वालों को, सुबह सैर करने वालों को उसका एक हिस्सा तो मिल ही जाता है, उसका एक हिस्सा तो उसका एक हिस्सा तो मिल ही जाता है। फिर सारा दिन तो तरह तरह से, फिर सारा दिन तो तरह तरह से दूषित वायु से तरह तरह से दूषित वायु से दो चार होते रहना होता है। मिलती ही रहती है। प्रातः भ्रमर से एक प्रकार का प्रातः भ्रमर से एक प्रकार का प्रातः भ्रमर से एक प्रकार का हल्का व्यायाम तो होता ही है, एक प्रकार का हल्का व्यायाम तो होता ही है। आदमी का मनोरंजन भी हो जाता है, आदमी का मनोरंजन भी हो जाता है। फिर सारा दिन प्रातः भ्रमर से हमें थोड़ा बहुत प्रातः भ्रमर से हमें यहाँ पर प्रातः भ्रमर से जो है मनोरंजन तो होता ही है, और प्रातः भ्रमर से हमें थोड़ा बहुत प्रकृति निरीक्षण का भी
प्रातः भ्रमण के समय खुले घास वाले स्थान पर, खुले घास वाले स्थान पर नंगे पैर चलना बड़ा अच्छा माना जाता है, बड़ा अच्छा माना जाता है। इच्छा होने पर, इच्छा होना मतलब अगर मन करे तो, इच्छा होने पर इस तरह के स्थानों पर, इस तरह के स्थानों पर हल्के व्यायाम योगासन आदि भी किए जा सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखेंगे, दो लाइन बाकी है अभी। योगासन आदि भी किए जा सकते हैं आजकल के, उसी के आगे किए जा सकते हैं आजकल के तनाव भरे वातावरण से, मुक्ति पाने का एक बहुत ही सरल तरीका है, एक सरल तरीका है प्रातः भ्रमण यानी नियम पूर्वक सुबह सैर करना, तो ये था हम लोग का प्रातः भ्रमण, जिसके कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पर लिखने के बाद फिर यहाँ से लिखना है, तो ये पूरा मिलाकर ये एक अनुच्छेद बन जाएगा, एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे अब दूसरा पैराग्राफ, और दूसरा पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे समय का सदुपयोग। यहाँ पर समय का सदुपयोग,
ये सबने लिख लिया होगा। यहाँ पर हम लोग समय के महत्व को और उसको दुरुपयोग करने से बचने के लिए इस बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि जीवन की सफलता का श्रेय आप किसे देते हैं। शिक्षा, शक्ति अथवा धन को। शिक्षा, शक्ति अथवा धन को। उत्तर मिला। ये वस्तुएं जीवन को सफल बनाने में सहायक अवश्य हैं। सफल बनाने में सहायक अवश्य हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है समय की परख। जिसने समय की परख करना मतलब पहचानना होता है, तो इसमें जो है पहचानने को परखना कहते हैं। जिससे समय की परख करना सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली। तो इस तरह से अभी इसके आगे और भी है वाक्य। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिसने जीना सीख लिया, उसने जिसने समय की परख करना सीख लिया, उस वो जीना भी सीख लिया। तो इस तरह से समय जो है बहुत ही मूल्यवान होता है। अभी हम लोग इतना ही लिखे हैं, अभी इसके आगे और भी है, तो इसे हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे।
और इतना बच्चे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।